नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मेथपेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एसएससी सीजीएल 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए एक और गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि एक और जो पोस्ट है वो आपकी सीजीएल की जो वैकेंसी है उसमें जुड़ने जा रही है। तो कौन सी पोस्ट है, इसमें कितनी वैकेंसी है, ठीक है, तो इस सब के बारे में आपको मैं यहाँ पे इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। उसके अलावा आपको मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ हो गई है। DOPT में आपकी जो ASO की वैकेंसी है वो आपकी इंक्रीज़ हो गई है। उसके अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 9 वैकेंसी इंक्रीज हो गई। उसके अलावा जो PSA की है राजस्थान सर्किल की वो वैकेंसी रिपोर्ट हो गई है। तो ओवरऑल जो वैकेंसी है वो आपको इस बार भी अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। तो वो सभी बच्चे जो अभी कट ऑफ के चक्कर में पड़े हैं कि प्रिपरेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उन सभी से मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपका रॉ स्कोर 120 से ऊपर बनना है तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि टीयर 1 के रिजल्ट के बाद SSC आपको बहुत ज्यादा टाइम मेंस के लिए नहीं देने वाली। और अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं मेंस एग्जाम को, तो कंप्यूटर और टाइपिंग दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर और टाइपिंग को अभी से फोकस होकर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। आपके लिए टाइपिंग का हमने कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना दिया, बिल्कुल SSC के पैटर्न पर। जो इंटरफेस आपको जैसा वहाँ पर मिलेगा सेम वैसा ही इंटरफेस इस सॉफ्टवेयर में है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जो हमने फॉन्ट यूज़ किया है वो वही है जो आपका जितना SSC में आपको मिलता है। उसके अलावा जो इंटरफेस है वो बिल्कुल SSC के जैसा है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपको आपकी एक्चुअल स्पीड बताता है। ढेर सारे जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें कमी क्या है कि वो आपको एक्चुअल जो स्पीड है वो बताते नहीं है। और एक और खास बात है यहाँ पे कि हमने यहाँ पे आपको 250 एक्चुअल CHSL सीजल में जो आए हुए पैसेज हैं वो प्रोवाइड किए हैं। यानी कि आपको इधर उधर का जो कंटेंट है वो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये जो 250 CHSL सीजल में आए हुए पैसेज हैं इनकी बार बार आप प्रैक्टिस करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डैमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है, तो एक दिन का डैमो जरूर आप लोग लीजिएगा। डैमो लेने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डैमो ले सकते हैं। डेमो लेके आपको ये जरूर पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। उसके अलावा अगर आपको डेमो अच्छा लगता है तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन सी आपकी जो पोस्ट है वो यहां पे बढ़ने वाली है, ठीक है, और कौन सी पोस्ट ऐड होने वाली है और उसमें कितनी वैकेंसी है। तो आप देख पा रहे होंगे, आप लोग ये नोटिस देख पा रहे होंगे साफ साफ कि यहां पे जो नोटिस है वो कहां से, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, ठीक है। और यहां पे जो सब्जेक्ट है इसका वो क्या है, इनवाइटिंग कमेंट्स ऑन द प्रपोज रिक्रूटमेंट रूल्स टू द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट Level 4 इन पेमेटिक्स। यानी कि जो नई पोस्ट आपकी ऐड होने वाली वो कौन सी है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो पोस्ट है वो CGL के थ्रू ही क्यों भरी जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये भी डाउट है स्टूडेंट को। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो असिस्टेंट की जो पोस्ट है, जो Level 4 की जॉब है, वो आपकी ऐड होनी है, ठीक है। अब मैं जो ओवरऑल चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ। ये आप लोग देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये पूरा नोटिस है। इसमें जो मेन आपके लिए काम की बात है वो ये है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस पोस्ट के बारे में कंप्लीटली जानकारी दी हुई। पोस्ट का जो नाम है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो कितने हैं, 1773। तो आप खुद सोच सकते हो कि 1773 अगर ये पोस्ट यहाँ पे शामिल होती है CGL 2023 में, तो 1773 नई वैकेंसी मतलब हो जाएंगी, यानी कि इतनी वैकेंसी आपकी बढ़ जाएंगी। तो सुख खुश हो सकते हैं कि कितनी वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखो ये 2023 की वैकेंसी है। उसके अलावा ये कौन सी पोस्ट है, ग्रुप सी पोस्ट है, Level 4 की जॉब है। और यहाँ पे देखो साफ साफ दिया हुआ है कि बिटवीन इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 25 है, लेकिन यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी एज डिटरमाइंड बाई द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यानी कि जो पोस्ट है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा भरी जाएगी और वही डिसाइड करेगा कि एज उनको क्या लेनी है, ठीक है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी क्या होगी, बैचलर डिग्री होगी, यानी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो आपको ये पता होगा कि बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन वाली जितनी भी आपकी पोस्ट है वो किसके थ्रू भरी जाती है, CGL के थ्रू भरी जाती है, ठीक है। CGL में आपकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है वो ग्रेजुएशन होती है, ठीक है। बाकी जो और भी जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। तो ये जो पोस्ट है एक तो CGL के थ्रू भरी जाती है और दूसरा सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू भी भरी जाती है। लेकिन आपको पता होगा कि सिलेक्शन पोस्ट में कभी इतनी ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली होगी। वहां पे अलग अलग पोस्ट के लिए 30, 40, किसी में 100 इस तरीके से वैकेंसी होती है, लेकिन मैक्सिमम जहां पे ठीक ठाक वैकेंसी होती है वो पोस्ट SSC CGL के थ्रू भरी जाती है। तो ये तो तय है कि ये पोस्ट जो है वो CGL के थ्रू भरी जाएगी। अगर ये पोस्ट CGL के थ्रू भरी जाएगी और इसमें इसको कंसिडर कर लिया जाता है तो ये आप समझ सकते हो कि आपके लिए कितनी बड़ी गुड न्यूज होने वाली है और इतनी वैकेंसी आपकी बढ़ जाएंगी। तो
अब इसके बारे में अपडेट हमें कब पता चलेगा, जब RTI लगाया जाएगा या आपकी जो टीयर वन से पहले वैकेंसी अपडेट होंगी तो उसमें पता चलेगा, जब वैकेंसी SSC रिपोर्ट करेगा तो पता चल पाएगा कि ये वैकेंसी यहाँ पे ऐड की गई है या नहीं की गई है। लेकिन ये अगर ऐड होगी वैकेंसी तो आपकी सीजल 2023 के थ्रू ही ऐड होगी और SSC जो है वही इसका एग्ज़ाम अगर करा रही है तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये जो पोस्ट है वो CGL के थ्रू ही आपकी फिलअप की जाएगी, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। उसके अलावा आपकी वैकेंसी बढ़ रही है, बढ़ना स्टार्ट हो गई, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे DOPT में आपकी ASO की जो वैकेंसी है वो 692 वैकेंसी हो गई। उसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि राजस्थान सर्किल में भी वैकेंसी आपकी PSA की रिपोर्ट हुई है, तो PSA की भी वैकेंसी अभी जो है आपकी ओवरऑल आनी है, ठीक है। उसके अलावा ढेर सारे डिपार्टमेंट ऐसे जहाँ पे वैकेंसी अभी रिपोर्ट नहीं है, तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल अच्छी खासी वैकेंसी आपको CGL 2023 में भी देखने को मिलेंगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कट ऑफ का भी वेट कर रहे हो, आपने देख ली कि इतनी हाई कट ऑफ बताई है सर ने, RB वाले जो सर हैं शुभम जैन सर, उन्होंने इतनी हाई कट ऑफ बताई, तो वो उन्होंने कब बताई, जब 7500 वैकेंसी है। लेकिन अगर वैकेंसी आपकी बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है कट ऑफ भी डिक्रीज होगी, तो अगर राय स्कोर आपका 120 से ऊपर बनना है तो आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, ये आपके फायदे की बात है। अदरवाइज टीयर वन का रिजल्ट के बाद फिर चीज़ें बहुत अस्त व्यस्त हो जाएंगी और आपको SSC इतना टाइम नहीं देगी कि आप प्रिपरेशन कर पाओ। तो अगर आपका राय स्कोर 120 से ऊपर है तो आपको अभी से प्रिपरेशन करना चाहिए। उसके अलावा टाइपिंग आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टाइपिंग के लिए हमने कंप्लीट आपके लिए सॉफ्टवेयर बना दिया। मैं आपसे ये चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ कि एक बार आप डेमो जरूर लीजिएगा, डेमो एक दिन का बिल्कुल फ्री है, डेमो से आपको ये पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। तो डेमो के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में दिया हुआ है, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। और अगर आपको डेमो लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो 6307185699 इस नंबर पे आप इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।